ओके जी, हमारा भाई खड़ा हुआ है। सबसे पहले जाके पेट्रोल डलवाते हैं। और ये लॉक जो है ना, तंग करता है बड़ा इसको। ये आज कैसे घुमा हुआ है। मेरा पिछला लॉक जो था इसी तरह खुल के ना टायर के साथ रगड़ता रहा था और वो ना खराब हो गया था। सो अब जाते हैं पेट्रोल डलवाते हैं थोड़ा सा, फिर आपको थोड़ी राइड दिखाते हैं। पेट्रोल जो है गो पेट्रोल पंप से डलवाऊंगा, ठीक है, और उनका थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। एवरेज के लिहाज से पहले पेट्रोल डलवा लूँ ताकि फिर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा रश है इस टाइम पे, छुट्टी का टाइम हो गया है। तो इस एरिया से हम निकल गए ना, खुली रोडों पे जाएंगे और फिर इजीली वहाँ पे हम डिस्कशन वगैरह कर सकेंगे। ओ नाइस बाइक ब्रो, एंड नाइस हेलमेट ब्रो। जी पेट्रोल भरवा लिया हमने, अब इसको रिजर्व से हटा देते हैं, क्योंकि रिजर्व का एरो ऊपर की तरफ होता है और खुले पेट्रोल का नीचे की तरफ होता है। सो अब हम जो है राइड पे निकलेंगे। अच्छा जी, तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। और आज मैंने आपको बताना था कि स्लिप ऑन्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो आई वुड से कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में, और आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप ये ट्राई करने लगे हैं तो ये माइंड में रखें कि आपको एक दो हफ्ते लगेंगे,
थोड़ी दर्दें शर्दें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है आप सेट हो जाएंगे। थोड़े से आप अगर फिटनेस फ्रीक हैं, मतलब आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं इन कामों में, फिर तो इतना मसला नहीं होगा आपको। बट मेरी तरह अगर आप ऑफिस वाले हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठने वाला काम है, तो फिर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि यार फिटनेस की तरफ ध्यान दूँ, क्योंकि ना ऑफिस बैठ बैठ के बंदा फारिग हो जाता है। तो थोड़ा सा ना आपको शॉर्ट में लगेगा कि ये आपकी कलाइयाँ जो है ना, ठीक है, आपकी जो रिस्ट है ये थोड़ी सी इस पर ज़ोर आता है, यूँ आपको यूँ करके बैठना पड़ता है हैवी बाइक स्टाइल में, और कमर में शुरू में दर्द फील होगा। मुझे अब उस तरह नहीं होता, लंबी राइड पे हो सकता है, बट इट्स नॉर्मल। उसके अलावा आपको जो है झटके वगैरह काफ़ी लगेंगे, अगर आपने बिल्कुल लो करवाया है, जैसे मैंने पहले करवाया था बिल्कुल स्लैम था, तो उससे मैं थोड़ा सा तंग आ गया था, क्योंकि हर खड्डा लगता था, बड़ी ज़ोर का लगता था, ऐसे ठक करके आवाज़ आती थी, और उससे बंदा भी हिल जाता था और बाइक भी हिल जाता था, तो बड़े बहुत फील होता था यार, दिल में दर्द होता था। तो मैंने जो है ना फिर एक इंच इसको ऊपर करवा लिया, सस्पेंशन थोड़ी सी वापस आ गई, इससे अब बहुत डिफरेंस आ गया, क्योंकि आपको पहले झटके का इम्पैक्ट नहीं लगता उस तरह, ठीक है, बड़े आराम से पहले सस्पेंशन पे हिट होता है, उसके बाद जाके बाइक पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल लो करवाना डेली यूज़ के लिए नहीं थी, अगर आप बिल्कुल जो है ना उसको 100% प्रोजेक्ट बाइक बना के, मतलब बिल्कुल रेगुलर यूज़ में नहीं रखते, तो फिर तो ज़रूर करवा लें। तो ये भी आपने झटका देखा ना, ये अगर मुझे स्लैम पर लगता ना, मैंने उछलना था, इसका भी काफ़ी बचा था। और थोड़ा सा ना मैं अगर मैं खड़ा देख लेता हूँ ना, और मैं स्पीड में हूँ, तो मैं थोड़े से हाथ ना हैंडल से उठा लेता हूँ, क्योंकि ऐसे आपका डायरेक्ट झटका जो है कंधों में भी लग सकता है, तो ये थोड़ा सा कर सकते हैं। अच्छा जी, और कल मैं मिसिंग की बात कर रहा था, मिसिंग नहीं थी यार, वो पेट्रोल एंड था इसका, जो बिल्कुल ई पे जाके ना एंड हो जाता है, पहले जो 22 मॉडल था ना मेरा, और ये जब बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में था, तब ना इसका ई से भी नीचे चला जाता था पेट्रोल, तब भी ख़त्म नहीं होता था, तो इसका बिल्कुल ई पे जाके ना एंड हो जाता, तो मुझे इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं हुआ कि यार मिसिंग क्यों कर रहा बाइक, पेट्रोल एंड था, तो मैंने रिजर्व पे लगाया तो बाइक ठीक कर रहा था। अच्छा जी, बाइक पटाखे बड़ी फेंट फेंट मारते, थोड़ा गर्म हो जाए भाई तो बड़ी ज़ोर ज़ोर के पटाखे मारता है, और बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छा, ये वाली जो रोड है ना, ये पहले हमेशा आगे से बंद होती थी, अब खुल गई है, बन गई है रोड, तो आज इस पे राइड लेते हैं। आपको टॉप स्पीड में दिखाता, आज मैं स्पीडोमीटर से दिखा देता हूँ आपको आगे, फिर जो है ना स्पीडोमीटर पे तकरीबन जाता है 110 तक, बट 110 है नहीं, वो स्लोप आ गई थी उस वजह से थोड़ा और तेज़ हो गया था, स्ट्रेट रोड पे ना 105 तक रहता ही है, तो 100 to 105 अभी इसकी टॉप स्पीड जा रही है। अगर किसी का जा रहा है ना 120 पे, वो समझे कि उसका 110 तक जा रहा है,
इतना आगे नहीं जा रहा। सितारा इधर से हम टर्न ले लेते हैं मोटो जीपी स्टाइल में। अभी मैं इसको ज़्यादा बैंड नहीं कर सकता, टायर बिल्कुल एंड है इसका। और ये झटका अच्छा, ये बड़ा अच्छा काम हो गया यार। यहाँ पे इशारे होते थे और बड़े लंबे इशारे होते थे, तो अब जो है ना चिल लोग आप जा सकते हैं कहीं से भी, हाईवे पे जाना है या सीधा सीधा जी सिक्स जाना है। इसके अलावा मुझे बताइएगा एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लग रहा है, ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा कम है। मुझे यही पसंद है क्योंकि ऐसी प्रोजेक्ट लगा लेता हूँ ना तो फिर मैं कुछ मेरे दिमाग ही घूम जाना, लोगों का भी घूम जाना है, मेरा भी घूम जाना है। अच्छा, मेरे जो 22 मॉडल की एक वीडियो थी टॉप स्पीड वाली 118 पे जो गया था वो, तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कुछ कुछ अर्से बाद। तो एक भाई ने कल लिखा हुआ था कि इतने लो आरपीएम पे क्यों गियर चेंज कर रहे हो। तो पहली बार लो आरपीएम में मैंने चेंज किए तब भी 118 पहुंच गया वो। दूसरा वो था नया बाइक, ठीक है, अभी उसको दूसरा दिन था कि तीसरा दिन था तो मैंने जो है उसको खींचा। तो आपको समझ आना चाहिए यार, नए बाइक को खींचते हुए थोड़ा दर्द होता है, इतनी जल्दी मैं उसको ज़ोर लगा नहीं रहा था उसका, वरना मैं उसको इसकी तरह खींचूँ पता नहीं उसमें 120 कब जाना था। इनको रोक के रखना चाहिए, इशारा बंद हो गया है, चली जा रहे हैं। इनके आगे खड़ा करके ना ब्लॉक कर देनी चाहिए लोग। अच्छा, क्लिप ऑन्स की वजह से बाइक जो लो हुआ है पोस्चर बहुत प्यारा होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव सी लुक देता है बाइक। तो ऊपर से एग्जॉस्ट भी है तो आंखें जो है ना सारी आपकी तरफ ही होती हैं। किस दिन बनाऊंगा रिएक्शन वीडियो, और मैंने जब रैप करवा लिया तो फिर तो इंशाल्लाह जो है ना यही नज़र आएगा हर जगह पर। कर रहा था कि इसके पटाखे निकले, इधर से यू टर्न ले लेते हैं। अच्छा जी, कैमरा जो है जवाब दे गया था एंड पे आके, बैटरी इसकी ख़त्म हो गई थी जब मैंने बाइक खड़ा की है। तो
बाकी इंशाल्लाह इसके काम करवाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना फीडबैक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.